नमस्कार दोस्तों, ओल्डिस इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सीताराम। दोस्तों आज की वीडियो में आपको जो कांटे वाला जो सैटेलाइट फाइंडर होता है उसकी जैसे ही दोस्तों ये वाला सैटेलाइट फाइंडर है जो DVC कंपनी का है और इसमें दोस्तों फुल HD LED डिस्प्ले है और इससे हम जो डिश होती है उसकी सेटिंग कैसे करें, क्योंकि मैन होता है दोस्तों सेटिंग करने का तरीका। और यहाँ इसमें एक ही ये बट स्विच दिया हुआ जिससे इसकी रेंज कम करते हैं ज़्यादा करते हैं, लेकिन दोस्तों मैन ऑप्शन ही होता कि इस सैटेलाइट फाइंडर से हम डिश की सेटिंग कैसे करें और इसमें जो डिस्प्ले आते हैं नंबरिंग आती है उसे हम कितने रेंज पर सेट करना है, कितने नंबर पर सेट करना है। तो इस जानकारी के लिए दोस्तों मैं आपको पूरा सेटअप मेरा यहाँ लगा हुआ, मेरा डिश यहाँ लगा हुआ पूरा सेटअप है और सामने अगर आप एक डिश देख रहे हो, ये डिश मैं आपको प्रॉपर तरीके से इस सैटेलाइट फाइंडर के बारे में बताऊंगा और कैसे हम कितनी रेंज पे इसकी डिश की सेटिंग करनी होती है। तो जानकारी के लिए दोस्तों आपको यहाँ पूरा वीडियो देखना होगा। दोस्तों इस सैटेलाइट फाइंडर में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है इसमें LMB इन का, एक होता है रिसीवर का। और जो लाइटिंग की बात करते हैं तो यहाँ एक लाइटिंग 22 Hz और 0 Hz, 18 वोल्ट, 13 वोल्ट। अब जैसे ही दोस्तों 13 वोल्ट या 18 वोल्ट पे सिग्नल होते हैं तो लाइट ब्लिंक करेगी। यहाँ पीछे से मैं आपको दिखा दूँ इस तरह से रहेगा। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसे कनेक्ट करता हूँ LMB पे। दोस्तों जो डिश से हमारा जो सर्विस केबल आता है ये वाला, ये 2 मीटर का सर्विस केबल होता है, ये LMB पे लगेगा इस जगह। और यहाँ जो सेट बॉक्स के ये वायर आ रहा है तो यहाँ वायर कनेक्ट होगा, तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही दोस्तों हम इस सैटेलाइट फाइंडर को यहाँ हम कनेक्ट करेंगे जो सेटअप बॉक्स के केबल से रिसीवर पे, तो यहाँ 00 आ रहा है और यहाँ कुछ वायर लगा हुआ नहीं है। जैसे हम सर्विस केबल का वायर लगाएंगे तो डिस्क सिग्नल बताएगा। और यहाँ जो पीछे एक बटन होता है ये, इससे हम रेंज कम करते हैं ज़्यादा करते हैं। जो यहाँ बात करते हैं तो आप देख सकते हो 0 Hz पे भी कोई सिग्नल नहीं है, तो 0 Hz की लाइट है। और यहाँ जो हमारे सेटअप बॉक्स से वोल्टेज आ रहे हैं तो यहाँ 13 वोल्ट हमें सेटअप बॉक्स के वोल्टेज मिल रहे हैं। अब जैसे ही आपका सिग्नल मिलेगा तो लाइट ब्लिंक करेगी। अब जैसे मान लो अब ये है, इसमें सुई भी 0 पे है और यहाँ पूरी फुल कर देंगे तभी भी 0.1 रहेगी। अब मैं आपको यहाँ जो सर्विस केबल है 2 मीटर वाला LMB से कनेक्ट है ये मैं आपको कनेक्ट करके बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ जो LMB से जो वायर आ रहा सर्विस केबल, ये मैंने यहाँ कनेक्ट कर लिया और ये मेरा डिश एंटीना आप देख सकते हो डिश एंटीने में। और यहाँ जब LMB से ये वायर कनेक्ट हो रहा है, इस वायर में ये सर्विस केबल मैंने यहाँ लगा रखा है। अब यहाँ अब सर्विस केबल लगने के बाद में दोस्तों यहाँ 00 है और यहाँ हम इस बटन से रेंज बढ़ाएंगे तो यहाँ अब इस टाइम कुछ भी नहीं आ रहा। ये देखिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ और इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखें तभी आपको पता चल पाएगा कि इस सैटेलाइट फाइंडर से डिश की सेटिंग हम कैसे करेंगे। ये देखिए आपके सामने मैं पूरा घुमा के दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अभी ये 99 आ रहा है ना, ये देखिए। और एक बात ये कि अगर आपका ये सैटेलाइट फाइंडर से कनेक्ट नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं आएगा। अब ये और जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों अगर ये कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये 00 आएगा। जैसे ही आपका LMB का वायर कनेक्ट होगा तो ये नहीं आएगा। अब ये कई बार क्या करते हैं कि सर्विस केबल भी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ मैंने सर्विस केबल लगा रखी है लेकिन यहाँ कनेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कहीं वायर में हमें सर्विस केबल में या कनेक्टर में दिक्कत है। तो इसलिए हम प्रॉपर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, कनेक्ट हो गया इस कनेक्ट। अब यह मान लो 99% सिग्नल आ रहे हैं तो ये समझना कि सिग्नल आ रहे हैं। अब आप डिश की सेटिंग करने जाओगे तो इस नंबरिंग को आप कम करके जाओ, नंबरिंग जब आप डिश की सेटिंग करने जाओ तो इस नंबरिंग को आप कम करोगे ना, तो यहाँ आपको ये रखनी है 50% या 50 से नीचे आपको रखना होगा। जब आप 50 से नीचे रखोगे और डिस्क की सेटिंग मिलाओगे तो ये जो बीप की आवाज़ आ रही है ना, पी पी पी, तो ये चेंजिंग हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिस्क की सेटिंग करके।
अभी इस मीटर को यहाँ मैं लगा देता हूँ, और जैसे ही दोस्तों ये मेरा डिश है, इस डिश को मैं घुमाऊँगा। अब ये डिश आप देख रहे हो, जैसे ही मैं डिश घुमाऊँगा तो यहाँ नंबरिंग बढ़ने चालू हो जाएगी। अभी देख लो, इस टाइम पे 50 से नीचे हैं। अब जैसे ही मैं डिश की सेटिंग करूँगा, यहाँ नंबरिंग बढ़ेगी। ये देखिए नंबरिंग, अभी जैसे ये नंबरिंग बढ़ती है तो यहाँ समझ लो आपके सिग्नल आ रहे हैं। अब सिग्नल आ रहे हैं तो ये आपको पता नहीं चल पाएगा ये किस सैटेलाइट के सिग्नल आ रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि हम सैटेलाइट का पता कैसे करें। लेकिन दोस्तों जब आप इस कांटे वाले मीटर से डिश की सेटिंग करें तो आपको इसको 50 से नीचे नंबरिंग रखनी है, और जैसे ही आपका सिग्नल मिलेगा तो यहाँ ये जो नंबरिंग आ रही है ये नंबरिंग बढ़ जाएगी। बढ़ते ही दोस्तों आप समझ लीजिए आपका सैटेलाइट आ चुका है और सैटेलाइट सेट हो चुका है। अगर ये नंबरिंग कम हो, नंबर आ रहे हैं ये कम हो, जैसे मान लो ऐसे डाउन हो, तो आपका सैटेलाइट नहीं बने। जैसे ही हम डिश की सेटिंग करेंगे, ये देखिए जितने नंबर आपके बढ़ जाएं उतने नंबर आपको बढ़ाना होगा और थोड़ा सा डिश से एडजस्ट करना होगा, तब जाके दोस्तों इस सैटेलाइट फाइंडर से आप डिश की सेटिंग करते हो। अब मैं यहाँ प्रॉपर तरीके से आपको पूरा कनेक्ट दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ डिश लगी हुई है, सर्विस केबल आ रहा, और यहाँ जो मेरा मीटर है ये पूरा सुई दिखा रहा, और यहाँ मुझे सैटेलाइट मिल चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप डिश की सेटिंग करें। अब यहाँ 99.2 है, और अगर इससे बटन से अगर आप रेंज पूरी कर दोगे तो आपको 99 बढ़ेगी, लेकिन वो कोई मतलब नहीं रहेगा। और फिर जैसे ही आपके सिग्नल ज़्यादा बढ़ने लगे ना, तो फिर आप इस बटन से ये रेंज कम करो। रेंज कम करने के बाद में फिर आप डिश की थोड़ा थोड़ा सेटिंग करो, ऐसा डिश की सेटिंग करो। अब यहाँ नंबर नहीं बढ़ रहे ना, तो इसी जगह आप डिस्क को टाइट कर दो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, अगर इसको अगर आप डायरेक्ट 50 से नीचे नहीं करोगे, फुल पे कर दोगे, तो आपका सिग्नल नहीं मिलेगा, आपको सिग्नल और सैटेलाइट का पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँगा कि हम इसमें कन्फर्म पता कैसे करें कि ये वीडियो कौन का सैटेलाइट है या डी डी फीडिस का सैटेलाइट है। तो इस तरह से दोस्तों आप डिस्क की सेटिंग कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट की जानकारी आपको मिले।